जीतने वालों को मेरा सलाम। अगर विल स्मिथ आपका अच्छा दोस्त होता तो आप उससे कितना कुछ सीख सकते थे। अगर आपका दोस्त बिल गेट्स होता तो आपको कितनी बढ़िया बिजनेस एडवाइस मिलती। कहते हैं यू आर द एवरेज ऑफ योर फाइव बेस्ट फ्रेंड्स। फॉर एग्जांपल, अगर आपके दोस्तों को रॉक म्यूजिक पसंद है तो बहुत मुमकिन है कि आप भी कुछ दिनों में रॉक म्यूजिक सुनने लगें। हमारा दिमाग एक कॉम्प्लेक्स बंदर का दिमाग है जो कॉपी करके सीखता है, इसलिए आपके आसपास मैक्सिमम समय पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होना चाहिए। लेकिन आप कहोगे कि यार मैं आर्टिकल्स पढ़ सकता हूँ या वीडियो देख सकता हूँ, ये किताबें पढ़ना इतना ज़रूरी क्यों है? आप सोचो कि आप एक सक्सेसफुल इंसान हो और आपको अपनी ज़िंदगी के ऊपर एक किताब लिखने के लिए बोला जाए जो कम से कम आपके फैमिली और फ्रेंड्स तो पढ़ेंगे, तो आप ऑटोमेटिकली अच्छा लिखने के लिए और गहराई से सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे, क्योंकि हर इंसान नाम कमाना चाहता है। जो भी आप लिखोगे वो आपके लाइफ का प्योर डिस्टिल्ड एक्सपीरियंस होगा। एक अच्छी किताब, चाहे वो फिक्शन हो या बायोग्राफी, उसमें आपको आइडियाज, माइंडसेट, एक्सपीरियंस और एडवाइस मिलेंगी जो आप कभी भी पढ़ सकते हो। हर सक्सेसफुल आदमी का समय बड़ा कीमती है। किसी भी काम के आदमी के पास इतना समय नहीं कि वो आपको बैठकर सुने, समझे और सलाह दे सके। इसलिए अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए या सोचने का नया तरीका चाहिए, तो वो आपको एक्सपीरियंस, अच्छी किताबें और रेयरली अच्छे लोगों से ही मिलेंगी। और बहुत सारी खूबियां हैं रीडिंग हैबिट की। मैं बस एक पॉइंट और आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। अब सारी नॉलेज डिजिटल हो रही है, लोग उम्मीद करते हैं कि आप ऑनलाइन पढ़कर बहुत जल्दी सीख लेंगे। वॉरेन बफे आज भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर हर हफ्ते 500 पेज पढ़ते हैं, इसलिए रीडिंग हैबिट प्रोफेशनली बहुत काम आती है। अब अगला सवाल है कि किताब पढ़ने की आदत कैसे डाली जाए। स्टार्ट योर डे। मैं हर दिन सुबह उठता हूँ, तैयार होने के बाद सबसे पहले कम से कम 30 पेज पढ़ता हूँ। इससे करीबन 10 दिन में एक किताब खत्म हो जाती है, यानी महीने की 3 और साल की 36। 30 पेज पढ़ने में 30 से 40 मिनट लगते हैं। सुबह पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि रूटीन बनाने में आसानी होती है। 3 महीने बाद जब आदत पड़ जाए तो आप ये समय रात में भी शिफ्ट कर सकते हो। आप सरल किताब से शुरू करें, अपने रीडिंग लेवल के हिसाब से बुक चुनें और शुरू हो जाएं। आप ईबुक की बजाय किताब पढ़ें, इम्प्रूवमेंट जल्दी होगा। क्योंकि जब आप कोई प्रिंटेड किताब उठाते हो तो उसका वेट, पेज की क्वालिटी महसूस करते हो। इससे आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है और आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी बढ़ती है, तो जो भी काम की चीज़ है वो आपको ज़्यादा समय तक याद रहेगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्रोडक्टिविटी पर वीडियो ज़रूर देखिए। प्रोडक्टिविटी का असली मीनिंग क्या है और सुबह का समय इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। और हाँ, चैनल ज़रूर 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 सब्सक्राइब कीजिए, मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।